मध्य प्रदेश कांग्रेस के भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय के बाहर गुरुवार को ऑफिस टाइमिंग का एक बोर्ड लगाने के बाद विवाद हो गया। बोर्ड में बकायदा रविवार की छुट्टी का भी जिक्र था। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को घेरा तो वही विवाद बढ़ते देख बाद में बोर्ड उतार लिया गया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग बारिश के दिनों में चांदीपुरा वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर है। गुरुवार को भोपाल में हेल्थ डिपार्टमेंट ने चांदीपुरा वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा गया कि चांदीपुरा वायरस का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बैंक ने बैंकिंग सहायक पदों पर रिक्तियां निकाली है। 79 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी 5 सितंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज, सत्यापन और साक्षात्कार शामिल है। भाजपा की जिला स्तरीय बैठकें जारी है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह बैठकें आयोजित की जा रही है। इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने की तैयारी है। गुरुवार की बैठक जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम आयोजित करने के निर्णय लिए गए हैं। 11 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। मीसा बंदियों को 10,000 रूपए और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाएगा। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रूपए मिलेंगे। शिवपुरी कलेक्टर के नाम से अज्ञात बदमाश ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट जनरेट किया और फिर वह दूसरे अफसरों को मैसेज भेजने लगा। जानकारी लगने पर शिवपुरी कलेक्टर ने लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट और नंबर से संबंधित जानकारी साझा की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रिमझिम बारिश दर्ज की जा रही है तो कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर उमस हो रही है। राजधानी समेत कई जिलों में कुछ दिनों तक बारिश नहीं होने का अनुमान जारी किया गया है। बुधवार को कई जिलों में तेज धूप निकली तो कहीं उमस का माहौल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मिलावटी दुग्ध उत्पाद के काले कारोबार के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई शहर से सटे क्षेत्र संचालित एक दुग्ध फैक्ट्री पर की गई, जहां मिलावटी दूध पनीर और घी बनाने का काम होते पाया गया। फैक्ट्री से लिक्विड डिटर्जेंट पोटास और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे उत्पाद भी बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं, जो मिलावटी दूध आदि बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अजीबोगरीब निर्णय लेने के कारण चर्चा में बनी रहती है। अब एक नया फरमान जारी हुआ है जो कि राजनीतिक दलों में हास्य का विषय बन गया है। कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय पीसीसी सुबह 11 से शाम 6 बजे तक संचालित होगा, वहीं रविवार छुट्टी रहेगी। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सत्र 2024-25 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है, जो छात्र एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 देंगे। वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर अपनी डेट शीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।